हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो, अर्थात उससे मेल खाते हो। यह भी कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। राज्य शब्द से तात्पर्य है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। अब हम 6 मौलिक अधिकारों का बारी बारी से संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को एक समान माना गया है, लेकिन राज्य की स्त्रियां, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। भाषण और भाव को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता, राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण, बंदीकरण और निरोध का संरक्षण। राज्य को ये अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह ये समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय, विक्रय, बेगार तथा किसी भी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष के कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। माइनॉरिटीज की शिक्षा और संस्कृति से संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। ये बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता। हमारा छठा अधिकार है सांवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो ये है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके, और दूसरा ये है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। पर कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकार सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं, जैसे कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है।
वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। संविधान में ये कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्यों के मामले में संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंध कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।